प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे आरिफ जाकिया साहब को, जो है तो पाकिस्तानी मूल के, पर आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सच बोलने की क्या सजा होती है, तो इसलिए वो आजकल रहते हैं लंदन में। तो उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाइक खान जी। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहन के आती हैं और उनका फेस आइडेंटिटी चेक नहीं किया जाता। उन्होंने शिकायत की कांस्टेबल से, तो उसने कहा नहीं मैं चेक नहीं करूंगी। तो उन्होंने हेड ऑफ पुलिस से बात की, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह तो फेक वोट तो बहुत भर भर के जाता होगा, पता नहीं बुर्के में आदमी है औरत है, कौन है क्या है। आप क्या, आपने क्या देखा? देखिए, पश्चिम बंगाल में 2019 के लोकसभा इलेक्शन में और 2021 के लोकसभा इलेक्शन में मैं बहुत एक्टिव थी, बहुत ज्यादा एक्टिव थी। बल्कि मैं कहूंगी कि 2019 के हिसाब से 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मैं बंगाल में उतनी एक्टिव नहीं रही हूँ जितना मैं बाहर इस बार स्टेट में रही हूँ। लेकिन 2019 और 2021 दोनों इलेक्शन में मैं पश्चिम बंगाल में मैंने अपने से खुद से खड़े होकर के बूथ बूथ मैंने विजिट किया था। तो आज माधवी लता जी ने जो आईडी को देखने की कोशिश की है और उन्होंने बातों की जो वजाहत की वो बिल्कुल सही है। वो हिजाब के अंदर नगमा की जगह नसीम आ जाते हैं और तबस्सुम की जगह तनवीर आ जाते हैं हिजाब के अंदर। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल है कि आज जितने भी मुस्लिम समाज के ठेकेदार हैं वो भारत में ये कह रहे हैं कि माधवी लता जी ने हिजाब उठा दिया, या बिहार में कुछ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने कहा कि भाई ये तो गलत हो रहा है, हिजाब के अंदर तो कोई भी एंटर कर रहा है और कोई भी वोट करके चला जा रहा है। तो उन्होंने भी, गिरिराज सिंह जी ने भी बिल्कुल सही कहा। अब मैं क्योंकि मुस्लिम हूँ और आप भी मुस्लिम हैं, अब आप मेरे भी घर में महिलाएं हैं, मैं खुद महिला हूँ, आपके घर में भी महिलाएं हैं, क्या जब हम मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा के लिए पासपोर्ट बनाते हैं या वीजा अप्लाई करते हैं तो क्या हिजाब उठा करके शक्ल दिखा करके हमको पासपोर्ट के लिए फोटो नहीं खिंचवाना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है, एयरपोर्ट पे भी दिखाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। जब हम तवाफ के लिए खड़े होते हैं, जब हम तवाफ करते हैं तो क्या वहां पर मर्द और औरत साथ में तवाफ नहीं करते हैं मक्का मुअज्जमा में? बहुत करते हैं और बदतमीजी भी खूब होती है, मैंने तो साथ हज किए हैं, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। वो बदतमीजियां, वो अश्लीलता आपने अपनी आंखों से देखा है और मेरे घर के मर्दों ने भी अपनी आंखों से देखा है। तवाफ के दौरान जो बदतमीजियां होती हैं मक्का के अंदर, तवाफ के दौरान जो औरतों को गलत गलत जगह उजू पे हाथ वाथ मारा जाता है, बिल्कुल वो मेरे घर के मर्दों ने भी देखा है और आपने खुद किया है हज, आपने भी देखा है और आप इस चीज की मैं भी वजाहत कर रही हूँ, आप भी वजाहत कर। क्या जब मदीना मुनव्वरा में नमाज पढ़ी जाती है और मक्का मुअज्जमा में पढ़ी जाती है तो क्या औरत का अलग जगह होता है और मर्द की अलग जगह होती है? दोनों के साथ होते सेम। और मर्द और औरत दोनों कफन में होते हैं, कफन के कपड़े में होते हैं हम। हम तो पूरे पैर तक वो हिजाब में तो नहीं होते, हम तो पूरे कफन के कपड़े में होते हैं। तो जब अपने सबसे अफजल अरकान के लिए वहां पर पहुंचने के लिए जब कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है तो देश के सबसे बड़े वोट के लिए ये इस हिजाब को एक जरिया बना करके अवेसी इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर कौन सा बेहुदा काम कर रहा है, या भारत में बैठे हुए इस्लाम समाज के जो भी मौलवी मुल्ला और मुअज्जिन हैं, या इस्लाम समाज के कंधे पर चढ़ करके अपनी अपनी सत्ता के चेयर को बचाने के लिए जो नंगा नाच कर रहे हैं वो हमें और आपको तो नहीं ये गलत बातें समझा सकते हैं? वो जाहिल मुसलमान, जो अशिक्षित मुसलमान है, जिसने अल कुरान नहीं पढ़ा है, जिसने बहिश्ती जेवर नहीं पढ़ा है, जिसने सही अल बुखारी नहीं पढ़ा है, जिसने सारे इस्लाम की उन कुरनीतियों को नहीं जाना है, जिसने अरबी के अर्थ को समझा नहीं है, जो मक्का मुअज्जमा गया नहीं है, जो मदीना मुनव्वरा गया नहीं है, वो जरूर उनकी बातों में आ जाएगा। लेकिन जो अपनी आंखों से देख चुका है, जो कुरान के एक एक हर्फ को बामायने पढ़ चुका है,
उसको तो कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, उन मुसलमानों को तो बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। तो जब आप, जब हम मुसलमान बेटियां आपके साथ मर्दों के साथ शाना बशाना बराबर में खड़े हो करके तवाफ कर सकते हैं और हिजाब का पर्दा उठा करके हज के वीजा के लिए और पासपोर्ट के लिए फोटो खिंचा सकते हैं, तो देश के सबसे महत्वपूर्ण वोट के लिए ये हिजाब का पर्दा क्यों नहीं उठ सकता है? नाजिया जी, यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताऊंगा कि अहराम जो बांधा जाता है ना, उसकी कुछ शरायत होती है जी। तो आदमी जो दो कपड़े पहनता है वो सिले हुए नहीं होते, और आदमी के ऊपर फर्ज है कि सर पे कपड़ा नहीं लगना चाहिए पूरे अहराम के दौरान, हज के जो 5 दिन होते हैं और या उमरे के लिए आप जो अहराम बांधते हैं। तो इसी तरह औरत पे फर्ज है कि नाक पे कपड़ा नहीं लगना चाहिए जी, अहराम की शर्त है कि अगर नाक पे कपड़ा लगा तो आपका अहराम टूट जाता है, तो फिर वो हिजाब कैसे लगेगा? कैसे लगेगा जब अहराम के कपड़े में नाक पर कपड़ा ही नहीं आना चाहिए, तो फिर आप हिजाब कैसे पहन रही हैं सारा मुंह ढक करके? दूसरी एक चीज मैं और आपको आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि जिस तरह से मुसलमान मर्दों के अंदर जो गंदगी, जो बेहूदगी देखी जा रही है, जो धीरे धीरे और बढ़ता चला जा रहा है, जैसे यहूदियों के वक्त में जब हम 620 AD में जाते हैं, जब बनी इसराइल का वक्त था और कुरान में जिक्र है, तो उस वक्त जजिया के तौर पर यहूदियों की बहु बेटियां उठा करके ले आया जाता था। हाँ। उसी तरीके से अब के मुसलमान जजिया, मॉडर्न जजिया के तौर पर सनातनी यहूदी और क्रिश्चियन की बेटियों को कंधे पर उठा करके मुसलमान ला करके अश्लीलता का नंगा नाच कर रहे हैं। ऐसा ही मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से इस्लाम फ्लेक्सिबल है मुसलमान मर्दों के लस्ट के लिए और फिजिकल डिजायर्स को पूरा करने के लिए, इस्लाम जिस तरीके से बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि मुसलमान मर्द एक सेकंड के लिए भी अपने फिजिकल लस्ट को और अपने सेक्सुअल डिजायर्स को एकदम इग्नोर ना करे, जहां मन चाहे वही पजामा खोल दे, उसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि सुन्नत रसूल में गंदी गंदी गालियां औरतों को देना भी हो गया है, मुझे अब ऐसा लग रहा है। ऐसा ही क्योंकि अगर ममानियत होती, अगर ये नाजायज होता, अल कुरान के किसी भी पारे में अगर ये लिखा होता कि गाली गलौज करना गलत है, तो मुसलमान मर्द इतने धड़ल्ले से इतनी गालियां तो नहीं दे रहे होते। अब मैं तीसरी बात आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि हम दोनों मुसलमान हैं और हम दोनों ने मक्का से लेकर के मदीना से लेकर के अल कुरान से लेकर के सारी चीजें पढ़ भी ली हैं और देख भी ली हैं। तो अब मेरा ये कहना है कि अगर मुझे मेरी औलाद को और आपको अपनी औलाद को चोरी करना सिखाना ही नहीं है, तो चोरी के बारे में बताना क्यों है और चोरी से बचने का मशवरा क्यों देना है? तो अगर अल कुरान के में और इस्लाम में बेहूदगी और बेशर्मी को बताना नहीं था, तो फिर इतनी सारी ठरकबाजियों का जिक्र किया ही क्यों गया? सही सही सही। अगर ये गलत है, अगर रेप करना गलत है, अगर मोलेस्ट करना गलत है, अगर गाली देना गलत है, अगर किसी औरत को गलत नजर से देखना गलत है, तो फिर इन चीजों को बताया ही क्यों गया? हलाला की जिक्र अल कुरान में दी ही क्यों गई? तलाक का जिक्र अल कुरान में दिया ही क्यों गया? सेक्सुअल लस्ट और सेक्सुअल डिजायर का जिक्र अल कुरान में दिया ही क्यों गया? हम जब अल कुरान पढ़ते हैं, कई बार जिहाद का जिक्र आता है और सूरह नंबर 5 आयत नंबर 9 में तो भाई साफ सुथरे से लिखा हुआ है कि जहां भी तुम काफिरों को पकड़ो वहां पकड़ो और मारो, उनको खत्म करो, उनका उनका उनकी हत्या करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब एक इस्लाम के मजहब की किताब अल कुरान जब वो वॉयलेंस सिखा रही है, तो फिर तो ये वॉयलेंस ही करेंगे ना। सही सही। जब एक अल कुरान, जब एक 30 पारा, जब एक इस्लाम और मजहब की किताब आपको अश्लीलता सिखा रही है, आपको उसकी दिशा बता रही है, तो ये तो अश्लीलता करेंगे ना। सही, ये तो बिल्कुल सही। आई थिंक भाई कि ये अश्लीलता, ये गाली गलौज सुन्नत रसूल है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ कि ये अश्लीलता के साथ साथ, ये बेहूदगी के साथ साथ, ये बेशर्मी के साथ साथ, ये बदतमीजी के साथ साथ, ये औरत को गलत नजर से देखने के साथ साथ, ये बलात्कार करने के साथ साथ, गंदी गंदी गालियां भी देना सुन्नत रसूल में आता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो मुसलमान मर्द कर रहे हैं
उसके हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे भारत की बेटी नाज़िया अली खान जी ने ना सिर्फ मजहब के ठेकेदारों बल्कि इन कट्टरपंथियों को भी एक्सपोज किया और बताया कैसे शांति दूतों का जो मजहब है वो अश्लीलता का बाजार बन चुका है, कैसे औरतों को गंदी नजरों से और गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं। आपने देखा नाज़िया खान जी ने खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताया जब वो हैदराबाद गई, हैदराबाद के चार मीनार पे पहुंची जो कि एक हलाला का अड्डा बन चुका है जहां पे बहू बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है और दुष्कर्म किए जाते हैं। तो इसके बारे में जो भी आपके विचार हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।